छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 18वें छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिना वैज्ञानिक सोच के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आज जिसके पास परमाणु बम है वह पूरी दुनिया में राज कर रहा है। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के मुखिया तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी परम सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधे देकर उनका स्वागत करें चाहती। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस सभागार में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, बिना वैज्ञानिक सोच के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जिन लोगों ने, जिस समाज ने विज्ञान का सहारा लिया वो समाज आगे बढ़ गया। यदि प्राचीन काल की बात करें तो पहले जब लड़ाइयां होती थी पत्थरों से, लाठियों से, फिर तलवारों से, हमारे देश में बहुत लंबे समय तक तीर भाला और बरसी भाला और तलवार से लड़ाइयां लड़ी जाती थी, कोई पैदल, कोई घोड़े में, कोई हाथी में। लेकिन जिसके पास पहले बारूद आया उस देश को कब्जा कर लिया, उसका बहुत दिन तक शासन चला। लेकिन जिसके पास पिस्तौल आया उन्होंने देश को कब्जा कर लिया। तो आज जिसके पास परमाणु बम है वो पूरी दुनिया में राज कर रहा है। ये थोड़ी कोई युद्ध की बात, लेकिन यदि पूरे इतिहास में अपन नजर डालें तो पिछले 200-300 साल ही हमारे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बिजली खोज हुई, इंजन की खोज हुई, प्लेन के फ्यूल के, बिजली के, ये सारे जितने खोज हुए उसके कारण समाज या देश या विश्व आज इस स्थिति में पहुंचा है। नहीं तो हजारों हजार साल तक के हम लोग पैदल, बैलगाड़ी और घोड़ा से ही यात्रा करते रहे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि न्यूटन के सिर पे सेब नहीं गिरता और वो भूखा होता तो खा जाता, भूखा नहीं था, सोचा कि मेरे सिर पे क्यों गिरा, तब जाके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमको मिला।